रक्सी पंचायत से उप प्रमुख व मुखिया के साथ कांवरियों का जत्था धुरकी में थाना प्रभारी से मिलकर बाबा देवघर के लिए किए प्रस्थान। धुरकी प्रखंड मुख्यालय से रक्सी पंचायत की मुखिया मंजू देवी व उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव के साथ 40 महिला पुरुष कांवरिया बम का जत्था देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए गुरुवार को शिव मंदिर व थाना परिसर में अवस्थित मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद थाना प्रभारी सदानंद कुमार से सभी शिव भक्त कांवरिया बम मिलने के बाद देवघर के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं देवघर प्रस्थान से पूर्व मुखिया मंजू देवी, उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव, पूर्व मुखिया सत्यनारायण बैठा, भोला यादव के साथ सभी कांवरिया रक्सी पंचायत स्थित विभिन्न मंदिर व गाँव के देवता धाम स्थल से धार्मिक अनुष्ठान व पूजा अर्चना करते हुए मुख्य पथ से खुटिया खाला में विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित दोनों शिव मंदिर में दर्शन व पूजा के बाद मुख्य पथ से जयकारा और उद्घोष करते हुए थाना कार्यालय पहुंचे। वहीं थाना कार्यालय में पहले से मौजूद थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने सभी कांवरिया बम से मिलकर कहा कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ से अपने क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति खुशहाली के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ शंकर भगवान की पूजा व अर्चना से पूरा क्षेत्र भक्ति भाव में सराबोर है। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगातार गत 2 वर्ष के बाद संक्रमण कम होने से तथा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस वर्ष शिव भक्त कांवरिया खुशी खुशी उत्साह के साथ जलाभिषेक करने देवघर जा रहे हैं। इस दौरान भोला यादव, 20 सूत्री सदस्य अरविंद यादव, अक्षय यादव, विपिन यादव, विद्या यादव, सुरेंद्र यादव, विक्रम यादव सहित सभी कांवरिया शामिल थे। हम लोग धुरकी प्रखंड के और रक्सी पंचायत के जितने भी बोलबम जा रहे हैं बाबा धाम पर, वहाँ से हम लोग बाबा से दुआ करेंगे कि हम लोग का क्षेत्र में, हम लोग का पंचायत ब्लॉक में सभी जितने भी ग्रामीण हैं सबका चैन से दुआ मांगे। यहाँ पर सुखाड़ पड़ा हुआ है, उनसे प्रार्थना हम लोग करेंगे कि वर्षा हो और सभी सुखी संपन्न रहें यहाँ के सभी ग्रामीण जनता। बाबा वैद्यनाथ से हम यही कामना करेंगे कि हमारा क्षेत्र में अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे, और वहाँ हम जाकर मांगेंगे कि हमारा पूरे प्रखंड में, मैंने झारखंड में वर्षा का अभाव हो रहा है। हम लोग उसका मांग करेंगे बाबा से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ वर्षा हो और खेती बाड़ी हो, और वो खेती बाड़ी होगा तो हम लोगों का जीवन का भरण पोषण होगा। मेरा नाम भोला प्रसाद यादव है, मैं ग्राम कदवा के निवासी हूँ, रक्सी पंचायत का। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि तमाम क्षेत्र जो सुखाड़ के चपेट में पड़ा हुआ है, इससे भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा सुखाड़ को कैसे गुजर होगा, इसी को लेकर के हम लोग कामना करेंगे। कोरोना काल में बहुत दुखद हुआ कि नहीं जा पाए हम लोग, इस वर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ जाने के मौका मिला कि हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं कि अमन चैन पूरा क्षेत्र में, प्रखंड में रहे, पंचायत में रहे, और बारिश नहीं हो रहा है। बाबा से मनोकामना करें कि बारिश रुके। अभी तक अब तक हम लोग धान रोप के अगले बार जा रहे थे तो जा रहे थे, इस वर्ष बिहन भी नहीं हुआ है, बहुत दुखद घटना है। इसके चलते बाबा से मांगेंगे कि बारिश इधर होके। अच्छा।